Hello students, welcome to the 21st class on current affairs, and in today's class I will be dealing with BRICS, BRICS. Now from examination point of view, this will help you in GS paper 2, mains paper 2. इस क्लास में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं रिसेंटली, क्या इम्पोर्टेंस है ब्रिक्स का, इम्पोर्टेंस क्या है वो डिस्कस करेंगे. ब्रिक्स क्या चीज है, एंड थर्डली विल बी अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव. इंडिया के पर्सपेक्टिव में ब्रिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, तो तीन चीजें डिस्कस करेंगे. नाउ व्हेन इट कम्स टू ब्रिक्स, it is an international organization of the developing countries, Brazil, Russia, India and China. Now when it was created, originally it was just BRIC, BRIC, and South Africa it was added later on. Till date 10 conferences of BRICS has taken place. Now, first of all, we need to understand the importance of this organization, and we also need to understand the credibility of this organization. कि ये organization बाकी organizations के साथ अगर comparison करते हैं तो ये क्या organization है जो BRICS है, उसको understand करने के लिए जो बहुत important organizations हैं उनका हमें पता होना चाहिए. सबसे important organization हमारे पास है European Union, जो बहुत successful रहा है. उसके बाद हमारे पास है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, एंड थर्डली वी हैव वे दैट इज G7, एंड देन वी ऑल्सो हैव ASEAN. तो इस तरह की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने काफी ज्यादा रिजल्ट यील्ड किया है. बट व्हेन इट कम्स टू ब्रिक्स, it is an international organizations of the countries which are in different continents. Brazil, it is in South America. Russia, it is in Europe, east of Europe you can say. Then you have India, it is in Asia. Then China, it is again in Asia. And then we have also added South Africa, and it belongs to African continent. So we have these countries that belong to different continents. And all these countries have one thing in common, that they are developing countries. About 40% of the population in the world reside in these countries, Brazil, Russia, India, China and South Africa. And another important fact about BRICS is that 25% of the global landmass belongs to these countries. So 25% landmass belong karta hai in countries ko. Secondly, 40% say वर्ल्ड का पॉपुलेशन इन कंट्रीज में है. अभी ब्रिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ब्रिक्स के बारे में ये है कि दैट दिस रिप्रेजेंट्स द कंट्रीज दैट आर ग्रोइंग, दैट आर डेवलपिंग इन कंपैरिजन टू द कंट्रीज ऑफ यूरोप और टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूएसए बहुत डेवलप हो चुका है और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज बहुत डेवलप हो चुकी हैं. दैट इज़ द रीज़न दैट दीज कंट्रीज इंटरेस्ट, the interest of countries belonging to European Union and interest of United States of America, they are entirely different from the BRICS countries. तो BRICS countries के interest एक developing countries वाले interest हैं, इसीलिए इस organization का जो importance है वो बढ़ता जा रहा है. पहला reason, first important reason is, अगर present context में हम इसको understand करें, अभी recently जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में इसका 10th समिट हो रहा है. तो 10 समिट हो चुके हैं ब्रिक्स के, अभी 10th समिट जोहानसबर्ग में चल रहा है ब्रिक्स का. सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ इसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में ये है कि आज की डेट में जो भी इकोनॉमिक रियलम में डेवलप हो रहा है उसको, उसके अगेंस्ट ये वर्क कर रहा है. अभी हो क्या रहा है इकोनॉमिक रियलम में, इकोनॉमिक रियलम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज चल रहा है प्रोटेक्शनिज्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
प्रोटेक्शनिज्म ये चल रहा है। नाउ प्रोटेक्शनिज्म क्या है? प्रोटेक्शनिज्म है कि अपने इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करके रखना और एंटी ग्लोबलाइजेशन वेव को चलाना। आज की डेट में यूएसए इज नॉट फेवरिंग ग्लोबलाइजेशन, इट हैज बिकम अ कंट्री दैट इज इनवर्ड लुकिंग। कहीं ना कहीं यूएसए ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट एक्रियू कर लिया है ग्लोबलाइजेशन से बहुत सारे सालों में। नाउ इट जस्ट वॉन्ट्स टू रिमेन टू इटसेल्फ, इट वॉन्ट्स टू कन्फाइन टू इटसेल्फ। यूएसए नहीं चाहता कुछ माइग्रेंट्स उसके देश में आके ठहरें, उसके देश की मार्केट को यूज़ करें, उसके देश की टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, उस देश की एडवांसमेंट को यूज़ करें। तो इस सिचुएशन की वजह से जो ब्रिक्स का इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज हो गया है, बिकॉज ब्रिक्स रिप्रेजेंट करता है आज की डेट में डेवलपिंग कंट्रीज़ को, एंड डेवलपिंग कंट्रीज जितने हैं वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन जो है और जो मल्टीलेटरलिज्म है वो इन कंट्रीज़ को ग्रो कराने में काफ़ी हेल्प करेगा। सो ऑल दीज कंट्रीज दे आर प्रैक्टिकली मल्टीलेटरलिज्म को बहुत सपोर्ट करते हैं कंट्रीज ब्रिक्स वाले, एंड दे आर एक्चुअली एंटी यूएसए, क्योंकि अभी ट्रेड वॉर शुरू हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। चाइना की बहुत कमोडिटीज़ के अगेंस्ट इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया गया है, इंडिया ने भी एक इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है यूएस कमोडिटीज़ के ऊपर, यूएसए ने भी इसी तरह का स्टेप उठाया है। तो इकोनॉमिक सिनारियो में आज की डेट में ब्रिक्स का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ता जा रहा है। एंड इंडिया के परस्पेक्टिव से क्या क्यों इम्पोर्टेंट है? इंडिया के परस्पेक्टिव से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया का जो फ्रेंड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर कंपैरिजन करते हैं अगर यूएसए का, रशिया का और चाइना का, सर्टनली जो रशिया एंड चाइना ये दोनों बहुत क्लोज जा रहे हैं। दे हैव डेवलप्ड लॉट ऑफ अप्रोचमेंट, दे हैव डेवलप्ड गुड रिलेशनशिप, नो लॉन्गर वी सी द एंटागोनिज्म दैट वॉज प्रिवेलेंट प्रीवियसली इन देयर रिलेशनशिप। बट इंडिया का जो नेचुरल अलाई आज की डेट में होना चाहिए यूएसए वो नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द इनवर्ड लुकिंग अप्रोच, IL अप्रोच ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑन द अदर हैंड वी हैव द रशिया एंड द चाइना। सो इंडिया कैन यूज ब्रिक्स एज अ फोरम टू कल्टिवेट गुड रिलेशनशिप विद रशिया एंड चाइना, बिकॉज इकोनॉमिकली एंड आइडियोलॉजिकली इट इज़ द मल्टीलेटरलिज्म दैट विल हेल्प इंडिया टू ग्रो, इट इज़ नॉट द प्रोटेक्शनिज्म दैट विल हेल्प इंडिया टू ग्रो। And apart from this, we also have common goals and common challenges that are being faced by the developing countries. और जो issues हैं developed countries के वो एक अलग तरह के issues face कर रहे हैं, developing countries एक अलग तरह के issues face कर रहा है। So a country like India can always seek support of Russia and China to fight at WTO, to fight on climatic talks because more or less the concerns are same, and to fight on trade rules. So this is very very important, and BRICS can also act as an important forum to create new international economic order. Now what is this new international economic order? In order to understand this we need to understand the old international economic order. Now the old international economic order was created by WTO, by IMF and by United Nations and by World Bank, and all these institutions have lot of shadow of United States of America on them because it is the US that is supporting all these organizations, it is controlling, it wields lot of power. Jitni bhi organization hai, UN hai, WTO hai, World Bank hai, इनके ऊपर यूएसए का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। उस इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ब्रिक्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। अभी ब्रिक्स ने नया बैंक एस्टेब्लिश किया था, न्यू इंटरनेशनल बैंक, एंड दैट बैंक इज़ ऑफरिंग क्रेडिट टू द डेवलपिंग कंट्रीज एट अ चीपर रेट एंड एट विद रिस्पेक्ट टू लेस कंडीशंस, बिकॉज यूएसए ने जितना भी लोन दिया वर्ल्ड बैंक को के थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत कंडीशंस लगा के दिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है गुड गवर्नेंस का। गुड गवर्नेंस को इम्पोज किया गया गरीब देशों के ऊपर, कभी फिर डिस्कस करेंगे गुड गवर्नेंस को डिटेल में।
ये 21st क्लास था हमारा, 22nd क्लास हम करेंगे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर. कुछ भी ना समझ आया हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 8459400000. सो दिस वॉज ऑल फॉर द डे. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइस डे.